Welcome you all to the channel. जब किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो जाता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है फैमिली में, तो उसके जो प्रॉपर्टीज, ड्यूज या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके पेंशन, ग्रेचुटी, ड्यूज, एरियर्स, ये सारी चीज़ों को क्लेम करने के लिए आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लीगल हायर सर्टिफिकेट होता क्या है, लीगल हायर सर्टिफिकेट कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो लीगल हायर सर्टिफिकेट इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी मृत्यु हुई है और जो प्रॉपर्टीज़ को या फिर उसके जो भी शेयर से उसको क्लेम करना चाहता है तो लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। और ये आप दोनों के बीच का, जिसकी मृत्यु हुई है और जिसके पास सर्टिफिकेट है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन है, ये प्रोड्यूस करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। तो लीगल हायर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो लीगल हायर ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इंडिया सक्सेशन एक्ट के अंडर में, क्लास वन लीगल हायर एंड क्लास टू लीगल हायर। जब क्लास वन लीगल हायर नहीं होता है देन ओनली क्लास टू लीगल हायर्स को प्रॉपर्टीज या फिर जो भी उसके ड्यूज है वो सब ट्रांसफर होते हैं। तो क्लास वन में आता है विडो, चिल्ड्रेन, मदर, ये लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अगर ये नहीं होते हैं तो देन सेकंड क्लास सेकंड के जो लीगल हायर होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, जो कि होते हैं फादर, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन, सिस्टर, ब्रदर, ये लोग हो सकते हैं। तो लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों होती है? तो लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जो एक्सपायर हुआ है उसकी प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या फिर LIC वगैरह या फिर बहुत सारे पॉलिसीज हमारे सोसाइटी में लोग लेते हैं, तो ये पॉलिसी जब मैच्योर होती है या फिर लाइफ इंश्योरेंस होता है तो ये क्लेम करने के लिए आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली पेंशन अगर मिल रहा है उसे गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सारी चीज़ों के लिए, फिर अगर ड्यू है, कुछ बकाया है गवर्नमेंट से, कुछ लेना है, एरियर्स, ग्रेचुटी यानी जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है वो क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं उन्हें ग्रेचुटी मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो सारा क्लेम करने के लिए यू नीड लीगल हायर सर्टिफिकेट। फिर अगर जो कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके एक्सपायर होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनको सेम ऑर्गेनाइजेशन में उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो भी उसके लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन अप्लाई कर सकता है लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए? तो स्पाउस यानी बीवी या फिर हस्बैंड, जिस सिनेरियो में जो फिट बैठता हो, चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज जो एक्सपायर हुआ है उसके बच्चे, या पेरेंट्स। प्रोसीजर क्या होता है लीगल हायर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके एरिया में जो भी तालुका है, तहसीलदार है या म्यूनसिपैलिटी है या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कोई तहसीलदार है, तहसील है, तालुका है, तो उधर अप्रोच कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो जो म्यूनसिपैलिटी है उसे अप्रोच कर सकते हैं, कुछ जगह पे नगर निगम होता है तो आप अपने एरिया में जो भी ऑफिसेज है, जो भी अथॉरिटीज़ है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट आता है अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट को भी आप लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट पे जितने भी लीगल हायर्स होते हैं उन सबका नाम होता है और प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही आपको दिया जाता है। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है आपके एरिया में उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्लस डेथ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ों के साथ आप सबमिट करते हैं, देन इंक्वायरी बिगिन होता है, इंक्वायरी स्टार्ट होता है कि हाँ सो एंड सो पर्सन एक्सपायर हुआ है तो उसके ये लीगल हायर्स है कि नहीं है। देन उसके बाद एक 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, वो 30 डेज़ में पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को। अगर नहीं होता है, अगर नहीं हो पाता है, 30 डेज़ क्रॉस कर जाता है तो आप रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर या फिर सब कलेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने तो ये सबमिट किया डॉक्यूमेंट, ये मेरे पास इसका प्रूफ है, मुझे अभी तक लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में सब कलेक्टर या डिवीजन ऑफिसर, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर जो होता है वो उसके आगे का मैटर देखता है। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि विद इन 30 डेज में आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये था वीडियो लीगल हायर सर्टिफिकेट से, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से रिलेटेड हम लोगों ने जाना कि ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं और कौन कौन से जगह पे इसे हम यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।